तो दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल पकोड़ा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आवश्यकता के अनुसार आलू उबालेंगे और फिर छिलके को निकालेंगे। सभी आलू को छीलने के बाद इस तरह से उसे अच्छे से मैश कर ले। ब्रेड के साथ स्टफिंग करने के लिए यह बहुत जरूरी है। अब एक कराही में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर ले। अब आधा छोटा चम्मच पंचफोरन डालें, 2 कटी हुई हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। अब एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज को डालें। फिर 1 छोटा चम्मच नमक डाल दी। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी को मिला दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1/3 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सब्जी मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मसाला डालने के साथ साथ मसालों को चलाते रहना भी जरूरी है ताकि मसाला जल ना जाए। अब 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दी। सारे मसालों को अच्छे से भून ले। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन डाले। अब मैश किए हुए आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिला ले। अब इसमें भुना हुआ 1 चम्मच मूंगफली पाउडर डाले। अब सारे मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता डाले। और फाइनली जब आलू के मसाले थोड़ा ठंडा हो जाएं, तो इसमें 2 चम्मच चीज डालें। अब हम स्टफिंग के लिए ब्रेड को तैयार करेंगे। सबसे पहले ब्रेड को साइड से काट के निकाल दी। अब अपने आवश्यकता के अनुसार इस तरह से सारे ब्रेड को रेडी करके रख ले। अब हम अपनी अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे। हमें ब्रेड को पानी में डिप करना है और फिर स्क्वीज करना। तो इसके लिए हम एक बॉल लेंगे और फिर हमें उसमें 1/3 छोटा चम्मच हींग, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर मिला देना है। अब ब्रेड को हमें पानी में डिप करना है और फिर हल्के हाथ के साथ ऐसे स्क्वीज करना है। अच्छी तरह से अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के दबाएं ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे और फिर हम इसे अच्छे से रोल कर देंगे। गीले ब्रेड से ये रोल अच्छे से बन जाएगा। अब बाकी के बचे हुए सारे ब्रेड को एक एक करके इसी तरह से रोल बना ले। अब इसे तलने के लिए पहले कराही में तेल गरम कर लेंगे, फिर एक एक करके सारे ब्रेड रोल को अच्छे से फ्राई करेंगे। ब्रेड रोल को मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करें जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड रोल फ्राई हो गया है। अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो अब बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेड रोल बनके रेडी है।
तो है ना कितना आसान घर पे ब्रेड रोल बनाना।